नमस्कार दोस्तों, आज है 15 सितंबर और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रॉयल एमपी में। यहाँ पर आप सुनते हैं मध्य प्रदेश की सभी महत्वपूर्ण खबरें। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री संसद में कहा, भारत कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने में सफल रहा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मरीजों के बीच अब तक 66,000 से ज़्यादा लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। राज्य में चिकित्सा और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कराने के होंगे प्रयास। हिंदी दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा। और प्रदेश में 16 सितंबर से 37 लाख नए हितग्राहियों को किया जाएगा राशन पर्चियों का वितरण। खबरों पे चलते हैं विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के फैलाव को रोकने के लिए देश ने मिलकर लड़ाई लड़ी है। आज लोकसभा में दिए बयान में उन्होंने कहा कि भारत इस महामारी को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में सफल हुआ है। उन्होंने कहा कि देश में संक्रमण से होने वाली मृत्यु की दर लगभग 1.65% है, जबकि विश्व में यह 3.2% है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार के समय से उठाए गए कदमों के कारण संक्रमण को देश की आबादी के प्रति 10 लाख में लगभग 3,000 तक सीमित रखा गया है। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले लोकसभा सदस्यों का कोरोना टेस्ट कराया गया, जिसमें कुल 18 सांसदों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई। इनमें राजगढ़ से भाजपा सांसद रोडमल नगर भी शामिल हैं। इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 89,000 से ज़्यादा हो गई। वहीं इनमें से 66,000 से अधिक लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। राजधानी भोपाल में कल कोरोना के 210 नए मामले सामने आने के बाद यहां कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 13,641 तक पहुंच गई। इनमें से अब तक 11,333 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से डिस्चार्ज किए गए। उज्जैन में कल 14 व्यक्ति स्वस्थ होकर घर लौटे, वहीं 49 नए प्रकरण सामने आए। उधर सिवनी में 25 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। खंडवा में कल सुबह 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 7 लोगों को संक्रमण मुक्त होने पर अस्पताल से छुट्टी दी गई। नरसिंहपुर जिले के गरुड़वाड़ा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए व्यापारियों में 8 दिन दुकानें बंद रखने का फैसला किया है। पहले दिन कल यहां बाजार पूरी तरह बंद रहा। देवास में 26 और अशोकनगर में कुछ और नए मरीज सामने आए। वहीं सीहोर में कोविड-19 से एक आरक्षक की मृत्यु हो गई। दमोह में कलेक्टर तरुण राठी ने कोविड कमांड सेंटर का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने टोल फ्री नंबर 1075 भी जारी किया, जिस पर फ़ोन कर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली जा सकती है। उधर छिंदवाड़ा से रात की खबर है, जहां जिला चिकित्सालय में केंद्रीकृत ऑक्सीजन प्लांट ने कार्य करना शुरू कर दिया, जिससे मरीजों को निर्बाध ऑक्सीजन की पूर्ति हो सकेगी। जेडीयू सांसद हरिवंश नारायण सिंह को लगातार दूसरी बार राज्यसभा का उपसभापति चुना गया। सदन में सांसदों ने ध्वनिमत से उनके नाम का अनुमोदन किया। भाजपा सदस्य जेपी नड्डा ने उनके नाम का प्रस्ताव किया, जिसे सदन ने मंजूर कर लिया। बाद में सभापति एम वेंकैया नायडू ने उनके उपसभापति निर्वाचित होने की घोषणा की। विपक्ष ने श्री हरिवंश के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा को उपसभापति के लिए नामित किया था। विपक्षी दलों ने इसके लिए मतदान पर जोर नहीं दिया। कल हिंदी दिवस था। हर साल 14 सितंबर को यह दिन मनाया जाता है। साल 1953 में पहली बार हिंदी दिवस का आयोजन हुआ था, तभी से ये सिलसिला बना हुआ है। हिंदी दिवस को मनाने का उद्देश्य हिंदी भाषा की स्थिति और विकास पर मंथन को ध्यान में रखना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अवसर पर कल अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल के नए भवन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण किया। लोकार्पण कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की। इस दौरान श्री चौहान ने कहा कि हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम हिंदी में प्रारंभ करने और अभियांत्रिकी की हिंदी में प्रकाशित पुस्तकों को मान्यता के संबंध में प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से पूर्व में भी हिंदी में चिकित्सा शिक्षा
पाठ्यक्रम की अनुमति प्राप्त करने के प्रयास किए गए थे। वहीं श्रीमती पटेल ने नए भवन के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह सिर्फ ईंट चूने से बनी इमारत नहीं बल्कि विद्यार्थियों के भावी जिंदगी के निर्माण का केंद्र है। प्रदेश के सभी जिलों में भी हिंदी दिवस के कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। झाबुआ में ऑनलाइन हिंदी कविता पाठ का आयोजन किया गया। देवास, गुना और खंडवा में भी विभिन्न कार्यक्रम हुए। प्रदेश में 16 सितंबर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 37 लाख नए पात्र हितग्राहियों को पात्रता पर्चियों का वितरण किया जाएगा। अधिनियम के तहत 25 श्रेणी के नवीन सत्यापित और वर्तमान में सम्मिलित पात्र परिवारों में से छूटे हुए सदस्यों को जोड़कर नई पात्रता पर्ची का वितरण कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभान्वित किया जा रहा है। रायसेन से संवाददाता ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने रायसेन में इन पर्चियों का वितरण करने का जानकारी दी है। वहीं देवास में पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर खाद्यान्न पर्ची का वितरण करेंगी। खंडवा और अशोकनगर में भी जिला पंचायत और वार्ड स्तर पर पात्रता पर्ची का वितरण किया जाएगा। राजगढ़ में 16 से 27 सितंबर तक गरीब कल्याण सप्ताह मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। इस दौरान कल से 20 सितंबर तक पार्टी पदाधिकारी नेता और कार्यकर्ता सेवा के कार्य करेंगे। सीधी से संवाददाता ने बताया कि पटपरा मंडल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। उधर उमरिया जिले में बांधवगढ़ विधायक शिवनारायण सिंह ने नगर परिषद नोजोराबाद में सेवा सप्ताह का शुभारंभ सफाई करके किया। शिवपुरी में भाजपा सेवा सप्ताह मना रही है। वहीं सतना में पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी ने झाड़ू लगाकर लोगों को स्वच्छ भारत अभियान के लिए जागरूक किया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को 17 वर्ष के हो रहे हैं। राजधानी भोपाल में दोपहर बाद बादल छाए रहे। वहीं कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। इंदौर में जहां कल 21 मिलीमीटर पानी गिरा वहीं उज्जैन, सतना और छिंदवाड़ा में 5-5 मिलीमीटर बारिश हुई। उधर बैतूल जिले में कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने इंदौर, धार, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बैतूल और हरदा जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी भी दी है। अंत में कुछ समाचार संक्षेप में। पत्रकार बीमा राशि जमा करने की तिथि 15 सितंबर से बढ़ाकर 25 सितंबर कर दी गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पत्रकार बीमा के अतिरिक्त प्रीमियम की राशि का भुगतान राज्य सरकार करेगी। पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन और सिफारिश का कल अंतिम दिन है। अगले वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जानी है। झाबुआ कलेक्टर ने शहर में पानी की निकासी के लिए नाले के निर्माण का प्रस्ताव तत्काल तैयार करने के निर्देश दिए हैं। और मुरैना में डंपर ने एक चार पहिया वाहन को टक्कर मार दी जिससे 3 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई जबकि 1 व्यक्ति घायल हो गया। आज की खबरों में इतना ही। कल मिलते हैं। धन्यवाद।